हम यहाँ पे बैठे हैं नाश्ता करने, नींबू का नाश्ता कर रहे हैं। चलिए आइए नाश्ता करने। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने सूरत वाले घर नाश्ता करने, और अमीना आपा ने तो बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता बनाया है। जुबेरिया ने भी बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता बनाया है, और मुझे तो बिस्तर पे जो है ना चाय मिली है, ये नसीब होती है कि रेडीमेड बच्चे मिलना और रेडीमेड बहू मिलना और रेडीमेड घर मिलना, ये भी किस्मत की बात होती है। और सबसे ज़्यादा किस्मत से ज़्यादा तो दिमाग की बात होती है कि आप किसको कब पटाते हो और पटाके किसके घर में कैसे आप एंट्री मार सकते हो। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो मुझे जाता है, क्योंकि इसमें दिमाग की बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। और अभी बैठी हूँ मैं नाश्ता करने, नाश्ते में बहुत कुछ है। चलिए मैं नाश्ता कर लूँ तो उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। कुछ चेंज देख रहा होगा ना आप लोग मेरे फेस पे। जी हाँ, मैं कल मलार के डायमंड के मेरा जो ज्वेलर है उसके पास गई थी और उसके साथ सोई थी मैं। सोने के बाद जो है ये दो डायमंड का जो है वो मैं उसके दुकान से उठा के लाई थी सोने के बाद। और यू नो डायमंड ना, एक्चुअली आई नो डायमंड, क्योंकि बचपन से मैं सोना चांदी डायमंड हीरे जवाहरात, सॉरी डायमंड को हीरा बोलते हैं, तो ये सब पहनते पहनते बड़ी हुई हूँ। सो इसलिए मुझे मैं जो है मुंबई की मोस्ट रिचेस्ट वूमेंस में से एक हूँ, और मुझे जो है ये डायमंड सोना चांदी के बहुत शौक है। और मुझे लगता है मेरे अलावा जितने भी लोग हैं सारे गरीब लोग हैं, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ यू नो डायमंड्स ना, बिकॉज आई लव डायमंड्स। सो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पता नहीं इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये दो लाख का डायमंड मैं अमित के साथ गई थी, अमित की ज्वेलरी, वहाँ पर जो है मैंने थोड़ा गुल्लू गुल्लू किया, गुल्लू गुल्लू करने के बाद ये लेके आई मैं, लेकिन असली नहीं है। मैंने उसके दुकान से जो डुप्लीकेट मिलते हैं ना, जो सोना क्या बोलते हैं 1 ग्राम गोल्ड जो होता है, उसके ही टाइप का मैंने लिया है 20-20 रुपए में। एक्चुअली मेरा भाव जो है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि मैंने आजकल अच्छी दिखना बंद हो गई, तो मैंने बिकना भी बंद हो गई, इसीलिए उसके साथ सोने के बाद 40-50 रुपए जो भी मेरे उससे मैं लेके आई हूँ ये डायमंड्स के। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं बहुत नेचुरल मेकअप करती हूँ, लाइट मेकअप करती हूँ, बिना मेकअप के तो मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हूँ। तो मेरा फिगर जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसीलिए जो है मैं अपने फिगर को और मेरी खूबसूरती को और चार चांद लगाने के लिए दो डायमंड्स जो है मैंने लगाया। मेरी लिपस्टिक ज़रूर बताना, मैं लाइट कलर के लिपस्टिक का शेड जो है वो इस्तेमाल करती हूँ आजकल। तो मैं मेबेलिन का ख़रीद के लेती हूँ, मेबेलिन का नहीं, कौन से कंपनी का, फेस कैनेडा का लिपस्टिक ख़रीदती हूँ, और लोगों को ऐसे बताती हूँ कि मेरे पास प्रमोशन आए, क्या करूँ, दिखूँगी तभी बिकूँगी। लोगों को बताना पड़ता है कि मैं कितनी बड़ी यूट्यूबर हूँ और फेस कैनेडा का लिपस्टिक मेरे पास आ रहा है प्रमोशन के लिए। सो ऐसे ही मेरी दुकान जो है दिखावे का दुकान मेरा ऐसे ही चलता है, क्योंकि शो ऑफ करना मुझे पसंद है, क्योंकि शो ऑफ नहीं करूँगी तो मैं चल नहीं पाऊँगी मार्केट में, क्योंकि मेरे जो दोनों बेटे ही नहीं ठल रहे हैं। तो इसलिए मुझे खुद को जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंड रिच वूमन में साबित करना पड़ता है लोगों के पास, तभी जाके मैं चूना लगा पाती हूँ लोगों को, है कि नहीं। नाक का ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोगों को पता ही, ये भी मेरे डायमंड का ही पहना हुआ है। ये भी मैं अमित के साथ जो है सो की ही गुल्लू गुल्लू करके ही, जो पैसे मुझे मिले थे 15 रुपये उससे ही मैं लाई हूँ। जी हाँ, मेरा रेट आजकल 15 रुपये 40 रुपये 50 रुपये उससे ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि क्या है ना, मैं खुद को जितना भी जवान साबित कर लूँ, लेकिन मेरा जो अंदर का जो माल है पुरजा ढीला हो चुका है, गुफा में लोगों को मज़ा नहीं आता, इसलिए मेरा रेट 15 रुपये चालू है और 15 से 50 रुपये तक चालू। तो ये भी मैंने डायमंड का लाया है, यू नो डायमंड ना, तो डायमंड का लाया है मैंने मलवार मार्केट से। नाश्ता मैंने कर लिया है, अयूब जो है मेरे लिए हुक्का बना रहे हैं। अयूब के हाथ का हुक्का मतलब कि धुआँ अगर ना उड़े तो फिर अयूब का नाम का तौहीन हो जाता है। और मैं आप लोगों से कब से बोल रही हूँ कि मैं प्रूफ दूंगी, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, बस मैं ऐसे ही पब्लिक को बेवकूफ बना रही हूँ, घुमा रही हूँ, घुमा इसलिए रही हूँ ताकि 15 लाख का जो मैटर है वो दब जाए। और मेरे पास तो आप लोगों को पता ही है जो कूट बुद्धि होती है, कूटनीति होती है, दिमाग जो होता है वो काफ़ी हद तक है, तो पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाना है वो मुझे पहले से ही बहुत अच्छे से आता है। बेवकूफ़ बना के ही तो है जो मैंने घर गाड़ी बिजनेस ये सब कुछ हड़पा है, वो बेवकूफ़ बना के ही हड़पा है।
और आजकल तो मैं दूसरों के जो है ना बेटियों को, दामाद को, इन सब को खींचती रहती हूँ। अब क्या करूँ, लोग घुमाना जो इस मैटर में, क्योंकि घुमाऊँगी नहीं तो 15 लाख का मैटर फिर से उठेगा और 15 लाख मुझे ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा। इसके लिए घुमाना तो ज़रूरी है। और मैंने बहुत आज लाइट हल्का फुल्का मेकअप किया है, नो मेकअप लुक भी कह सकती हूँ। तो कैसा लग रहा है मेरा आज का मेकअप बताना जरूरी। वैसे तो मुझे मेरा फिगर भी बहुत अच्छा है, मेरा स्किन भी बहुत अच्छा है। 50 साल की उम्र से, दिल मेरा 50 का है, लेकिन नहीं, उम्र मेरी 50 का है, सॉरी, दिल मेरा जो 16 साल का है। तो 50 साल की हूँ मैं, 50 से एक कम हूँ मैं, लेकिन मैं बोल देती हूँ 50 की, लेकिन लगते नहीं ना मैं 50 की। बहुत एकदम जवान यंग लड़की लगती, मुझे पता है। मेरा स्किन जो है वो बहुत ग्लो करता है, ब्लेमिशेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर लोला पोला के पास जाती हूँ और जो एशियन पेंट है उससे मैं अपना जो है पुरानी इमारत का जो उसको पेंट करवाती हूँ, तो फिर से मैं जो बहुत ग्लो करने लग जाती हूँ। और आजकल जो है मेरे और मेरे बेटे का इज्जत जो है उसको वापस सोशल मीडिया में अच्छा करने के लिए मैं जो है दूसरों की इज्जत ऊपर की चढ़ चढ़ रही। ये मेरा आजकल का फेवरेट हॉबी हो गया है। मैं सवेरे उठती हूँ, नाश्ता करने बैठती हूँ और जो है आप लोगों को जो है पिंच करती हूँ, ताकि लोग गुस्से में आके कुछ बोले, फिर मैं ब्लॉग डालूँ और मेरे ब्लॉग में भी अच्छे से आए। आज सुबह है मेरी लाली लाली आवा देना दादी का आवा, ये मेरी लाली है आशु मेरी। और मुझे सब कुछ रेडीमेड मिला, अल्लाह का करम है, मुझे सब कुछ रेडीमेड मिला है, मुझे मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसको बोलती है नसीब, इसी मिनट की बोली तेरे पास ऐसा नसीब है क्या, रेडीमेड पति, रेडीमेड जो है बच्चे, रेडीमेड दामाद, दामाद के साथ जो है गुल्लू गुल्लू करना, रेडीमेड पोता पोती, नवासा नवासी, बहू बेटी, ये सब तो तुम लोग को रेडीमेड मिलता ही नहीं। मेरे को देखो मेहनत नहीं करना पड़ता, बिना मेहनत के कैसे आगे जाना है ये कोई मुझसे सीखे। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, बिना मेहनत के ही मैंने घर जो है मुंबई जैसे मलाड के एरिया में मुझे घर भी मिल गया, फिर मुझे एक गाड़ी भी मिली, फिर मुझे दुकान भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, साथ ही साथ बिना मेहनत के बहू बेटा बेटी दामाद पोता पोती नवासा नवासी, बिना मेहनत के कुछ पाना कैसे, ये आप लोग मुझसे सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट स्ट्रांग लेडी हूँ, और एक्चुअली दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और मैं दिमाग को खपा खपा के ही आज तक यहाँ तक आई हूँ। वैसे मैं सच कम झूठ ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन मेरे घर के धनी हैं जो भंगार है उनका बारी वाला जो है वो तो मुझे एक पैसा भी नहीं देता, शुरू से वो एक पैसा भी नहीं देता था, लेकिन मेरा खाना जो है फोकस में मुफ्त का खाना पैर में पैर उठा के खाता है। लेकिन क्या करो, लोगों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि ये मेरा पति है और मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है, इसीलिए मैं जो है वीडियो में भूल देती हूँ छूट के। ये मुझे आयुब ने दिया, वो मुझे आयुब ने दिया, इसके पैसे मुझे आयुब ने दिया, उसके पैसे मुझे आयुब दिखा दिया है, क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मरियम और उसके जो पति है समीर, उससे मैं बहुत ज़्यादा जलती हूँ, और सुना इमरान से तो मैं काफ़ी ज़्यादा जलती हूँ। इमरान जैसे अपनी बीवी को सपोर्ट करता है, इमरान जैसे घर चलाता है, वैसे ना मेरा बेटा चला पाता है, और ना ही मेरा कबाड़े वाला जो पति है पगड़ी चोर वो चला पाता है। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होता है। एक्चुअली मुझे ना कपल्स को देख के बहुत ज़्यादा जलन होती, बहुत ज़्यादा जलन होती, इसलिए मैं जब भी कोई कपल्स पर मेरी नज़र पड़ती है मैं ऐसे करके दोनों को अलग करके उनके घर पर जाके बैठ जाती हूँ, उनकी छाती पे। ये भी एक कला है, ये भी एक कला है। और आजकल ना यूट्यूब इंस्टाग्राम पे मुजरा कर करके भी मुझे पैसे अच्छे खासे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जो मैं ना कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा खींच रही हूँ और ज़्यादा बड़ा कर रही हूँ, ताकि जो है ना लोग ज़्यादा देखें वीडियो और व्यूज़ भी ज़्यादा आए। तो आपको मेरा आइडिया कैसे लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताना, यहाँ पर भी बताना, वहाँ पर भी बताना। और मेरी बेटी का तो वीडियो आ रहा है, वीडियो वो कम वो हफ्ता ज़्यादा है, बट प्लीज़ उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे घर में दाना पानी का बहुत ज़्यादा कमी हो चुका है। आजकल मैं किसी को चूना नहीं लगा पा रही, क्योंकि मुंबई में तो सबको पता है मेरी असली औकात क्या है, इसलिए मैं सूरत में दुकान खोल के बैठी हूँ। दुकान में भी कोई नहीं आ रहा है सूरत में, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं दिखती हूँ तभी दिखती हूँ, और मेरा दिखना आजकल बंद हो गया है। मैं भीड़ में जाके भी घुसती हूँ, मर्दों से जो है ना घिस घिस के डांस भी करती हूँ, मर्दों से घिस घिस के खड़ी भी होती हूँ, ताकि उनका उनके अंदर जो है ना घिसने के बाद एक स्पार्क उठे और मेरे सूरत वाला दुकान जो है चल जाए, लेकिन वहाँ दुकान चल नहीं रहा है। तो इसलिए मेरी बेटी को जो है ना मेरे बेटे जो हकता है ना सोशल मीडिया में आके सना इमरान के नाम पर और रिहाना के नाम पर जो भीख वो लेता है ना, प्लीज़ उसको देखे और उसको भीख देते रहिए, ताकि मेरे घर का चूल्हा चौका जो है वो
चलता रहे। आजकल मेरे पास पैसों की कमी हो गई है, मेरा चूल्हा चौका बंद होगा, इसलिए मैं बार बार सूरत जा रही हूँ। तो वो प्लीज़ मुझे सूरत ना जाना पड़े, वहाँ पे जाके चारों जूते चप्पल ना खाना पड़े। इसके लिए आप मेरे बेटे को सपोर्ट कीजिए, उसको देखिए और दो चार घी उसको दीजिए, ताकि उसका चैनल जो है वो चल सके और मेरा घर का जो चूल्हा चौका है वो भी जल सके। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। फिर कैसा लगा यहाँ पे भी कमेंट करना, वहाँ पे भी कमेंट करना। और ये सीमेंट की बोरी में बहुत ज़्यादा, तो उससे भी ज़्यादा मैं खूबसूरत हूँ। देख मेरा नेचुरल मेकअप कितना सुंदर दिख रहा है, तो उससे भी ज़्यादा मैं सुंदर दिख रही हूँ। तो जलती है ना मुझसे बहुत ज़्यादा, मुझे पता है, लेकिन अंदर ही अंदर भी तेरे से ज़्यादा जलती है, क्योंकि तू और तेरे पति इनमें इतना केमिस्ट्री अच्छा है, वो देख के मुझे जलन होती है। क्योंकि मेरा कबाड़ी वाला जो है भाड़े का पति, वो मुझे इतना प्यार क्यों नहीं करता। एनीवेज सारा सतनी भूलनी पड़ती है, बट स्टिल एनीवेज आज का जो ब्लॉग है यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड डू कमेंट गाइस, डू कमेंट। और मेरा नो मेकअप लुक कैसा लगा आपको, नेचुरल लुक, वो ज़रूर बताना आप लोग। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।